प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। झारखंड में स्थानीय वही होंगे जिनके पास 1932 का खतियान होगा। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के स्थानीय निवासी की परिभाषा, पहचान व झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिणामी सामाजिक एवं अन्य लाभों के लिए विधेयक 2022 के गठन को मंजूरी दे दी गई। विधेयक के प्रस्ताव में प्रावधान किया गया है कि जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है वही स्थानीय होंगे। जहां खतियान पठनीय नहीं होगा वहां ग्राम सभा भाषा रहन सहन और परंपरा के आधार पर खतियान तय कर सकेगी। झारखंड कैबिनेट ने तय किया है कि इस विधेयक को सदन से पारित कराया जाएगा। बता दें कि विधेयक पारित होने के बाद भारत सरकार से इसे 9वीं सूची में शामिल करने का आग्रह किया जाएगा। साथ ही झारखंड कैबिनेट ने राज्य के पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान संबंधी संशोधन विधेयक के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य में आरक्षित कोटे का प्रतिशत 77% कर दिया गया है। इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार से अनुरोध करेगी। संशोधन के तहत अनुसूचित जाति को राज्य में 12, अनुसूचित जनजाति को 28 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 1 को 15, अन्य पिछड़ा वर्ग 2 को 12% आरक्षण दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि झारखंड राज्य गठन के बाद से ही स्थानीय नीति और आरक्षण नीति कानूनी विवादों का विषय बना रहा। दोनों ही मुद्दों पर कानूनी लड़ाई में हार के बाद अब सरकार ने इसे लागू करने के लिए नया तरीका अपनाया है। सरकार ने इसे कानून बनाकर अधिसूचना के सहारे राज्य में लागू करने के बदले उसे भारत सरकार को भेजकर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा करने का फैसला किया है। इससे पहले झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी की सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर लागू हुई स्थानीय नीति को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद इस स्थानीय नीति को खारिज करते हुए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नई स्थानीय नीति बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद रघुवर दास की सरकार ने नई स्थानीय नीति बनाकर लागू की थी। इसी तरह बाबूलाल के मुख्य सचिव वीएस दुबे के विरोध के बावजूद 73% आरक्षण का प्रावधान लागू किया था। कैबिनेट से इसे पारित कराने के बाद विधानसभा से पारित कराकर एक्ट बनाया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। इस मुद्दे पर सरकारें बनती बिगड़ती रही। डोमिसाइल के मुद्दे पर राज्य गठन के बाद से आंदोलन होते रहे हैं। राज्य में 13 सरकार बदली लेकिन 1932 के खतियान के आधार पर पहचान और हिस्सेदारी तक झारखंड 22 साल बाद पहुंचा है। स्थानीयता के मुद्दे को लेकर राज्य में राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने का प्रयास हर सरकार ने किया लेकिन कभी भी एक बिंदु पर सभी नहीं पहुंच पाए। साल 2019 में सीएम बनने के बाद से ही हेमंत सोरेन इस नीति को बदलने की बात कहते रहे हैं और कल कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी देने के बाद प्रोजेक्ट भवन के बाहर उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम जनता की आकांक्षाओं के मुताबिक ही काम कर रहे हैं, हमारी सरकार सबके साथ न्याय करेगी। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।